वेलकम टू कौशिक जी टेक्निकल। आई एम भावेश कौशिक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, जो कि आज हमारा टॉपिक है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो शुरू हो चुकी है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है नाउन। तो नाउन को हम देखेंगे अच्छी तरह और इसकी डेफिनेशन जो है पेपर में आती हैं, 2 से 5 नंबर तक पूछने में आती हैं। तो देखते हैं नाउन क्या होती हैं, कैसे लिखना होता है सब कुछ। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी कोई भी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। तो वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ आंसर्स हैं। गिव द डेफिनेशन ऑफ नाउन। आंसर से ए नाउन इज द वर्ड यूज एज नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, जस्ट लाइक राम, दहली, पेन, ईटीसी। सेकेंड है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट है वॉट इज द कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास, काइंड्स ऑफ ग्रुप, एजी, बर्ड्स, ग्रास, बुक, एटीसी। नेक्स्ट है वॉट इज द प्रोपर नाउन। ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, अशोका, मुंबई, गंगा, एटीसी। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन, इट कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ द पर्सन, थिंग, ग्रुप टुगेदर एज वन होल, टीम, क्लास, आर्मी, ईटीसी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मटेरियल नाउन। मटेरियल, ए मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड, जस्ट लाइक मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर काउंटेबल लाइन। काउंटेबल लाइन क्या होती हैं? तो नाउन विच कैन बी काउंटेड टू टेल देयर नंबर्स आर कलेक्टेड काउंटेबल नाउन, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, ईटीसी। व्हाट आर द अनकाउंटेबल नाउन। नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, टू बंडल्स ऑफ ग्लास, ग्रास। व्हाट इज द सिंगुलर नेम। ए सिंगुलर स्टैंडिंग फॉर ए पर्सन, वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर, इजी, टेबल, बॉय, मैन, ईटीसी। व्हाट इज द प्लूरल नाउन। ए नाउन स्टैंडिंग फॉर वन, देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नाउन, इजी, बॉयज, टेबल्स, मैंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर। देयर आर 4 टाइप्स जेंडर। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन एक्सक्लूड जेंडर। बर्ड विच स्टैंड फॉर द मेल्स, जॉन, बॉय, मैन, आर सेड टू बी इन मस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर। वर्ड्स विच स्टैंड फॉर फीमेल, मैन, मेरी, गर्ल, वोमेन, आर सेड टू बी इन द फेमेल जेंडर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कॉमन जेंडर। वर्ड्स लाइक डॉक्टर, टीचर, नेबरहुड, विच कैन स्टैंड फॉर आइदर मैन और फीमेल, आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। व्हाट इज द न्यूट्रल जेंडर। Nouns like books, table, house, which stand for thing without life and said to be the neuter gender। तो ये थे noun की definitions जो कि paper में आती हैं। तो दोस्तों तैयार कर लीजिए, एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। दोस्तों अब communication skill की video आना शुरू हो गई हैं। दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।